नमस्कार एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑलर्स व्यूअर्स स्कोप प्रतियोगिता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसे आप चारू दर्शक या बहुरूप दर्शक भी कह सकते हैं इस प्रतियोगिता में गोवा के अलग अलग स्कूल हिस्सा ले रहे हैं और ये प्रतियोगिता कम्युनिकेयर ने अलग अलग भाषाओं में भी आयोजित की है जैसे कि फ्रेंच पोर्चुगीज कोकनी मराठी लेकिन आज ये प्रतियोगिता हिंदी में होगी आज हमारे साथ यहाँ चार स्कूल है गोवा के अलग अलग भागों से आए हैं सबसे पहले तो हम स्वागत करना चाहेंगे डेम्पो हायर सेकेंडरी स्कूल का जोरदार तालियां हो इनके लिए और ये अपना परिचय देंगे नमस्कार मैं हूँ शामली सिंह और मैं प्रेरणा पालेकर और हम डेम्पो उच्च माध्यमिक विद्यालय कला और विज्ञान से आए हैं हमारे टीम का नाम है संत कबीर दास संत कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे और उनकी काव्य रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है उनका मानना है कि भगवान हमारे अंतर मन में व्याप्त है तो चलिए जोरदार फिर एक बार टीम संत कबीरदास जो कि डेम्पो हायर सेकेंडरी स्कूल है अब हम स्वागत करते हैं हमारी अगली टीम जो है टीम महादेई और वो है एम एस हायर सेकेंडरी स्कूल वास्को से आप अपना परिचय करा दें नमस्ते मेरा नाम श्रुतिका गोसावी और मेरा और मेरा नाम शहनाज बेगम हम दोनों एम ई एस हायर सेकेंडरी स्कूल से हैं हमारी टीम का नाम महादेई है क्योंकि महादेई यह जीवन दायिनी नदी है यह इस नदी को गोवा में मांडवी नाम से पहचाना जाता है चलिए जोरदार तालियां हो जाए महादेवी के लिए जो कि एम ई एस वास्को से आए हैं अगली जो टीम है वो है टीम दिनकर और वो है आ लेडी ऑफ रोजरी दौना से नमस्कार मेरा नाम लक्ष्मी गौतम है और मैं अमृता सिंह और हम आ लेडी ऑफ द रोजरीज उच्च माध्यमिक विद्यालय दौना से आए हैं हमारी टीम का नाम दिनकर है क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी ने हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है उन्हें उनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो जोरदार हो जाए। आ, लेडी ऑफ रोज़री टीम से, टीम से, और हमारी आखिरी टीम है सेंट जेवियस मापसा से और टीम का नाम है इंदिरा गांधी नमस्कार मेरा नाम ममता दीपक वेरलेकर है नमस्कार मेरा नाम गुलाम अंसारी है और हम सेंट जेवियर्स उच्च माध्यमिक विद्यालय से आए हैं हमारे टीम का नाम इंदिरा गांधी इसलिए है क्योंकि भारत ने जब आज़ादी पाई और उन्होंने सुरेंद्र देश का सपना देखा तब इंदिरा गांधी ने ना सिर्फ वो सपना साकार किया बल्कि एक बहुत बड़ी तारणहार के रूप में उभर के आई और देश का देश को एक नई दिशा दिखाई पर आज जो राजनीति के नाम पर अराजकता और अपराधीकरण फैला हुआ है उससे हमें आज़ादी पानी है और उसके साथ ही जो साहित्य के साथ छलावा हो रहा है और जिस तरह से आधुनिकीकरण क्या दास्ता में हम फंसे हुए हैं उसे आज़ादी पा, पाकर हमें भी हर व्यक्तिगत रूप रुप रूप से तारणहार की भूमिका निभानी चाहिए इंदिरा गांधी जो थी मरते दम तक लड़ती रही, उनका मकसद सिर्फ स्वतंत्रता पाना और जीतना ही नहीं था वे चाहती थी कि हमारे देश में कुछ बदलाव आए उसी तरह हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ जीते हम चाहते हैं कि सभी लोगों को हमारी राष्ट्रीय भाषा का महत्व पता चले और यही हमारा संदेश है चलिए बिल्कुल सही कहा आपने जोरदार ताले हो जाए सेंट जेवियर्स मापसा के लिए और जैसा कि इन्होंने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही भी है तो इस भाषा को हम जितना बोले लिखे और पढ़े और इसका जितना ज़्यादा प्रचार हो उतना ही अच्छा तो चार टीमें तो है टीमों के साथ साथ यहाँ ऑडियंस भी है हमारे साथ और ऑडियंस में यहाँ चेयर लीडर्स भी है अलग अलग टीम के जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों टीमों के चीयर लीडर्स भी है जो कि प्रोत्साहन इन चारों टीमों का तो चलिए आप लोग तैयार हैं शुरू करने के लिए आज का ये ये कार्यक्रम तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पहला राउंड टीम संत कबीरदास से मैं पहला सवाल आपसे करूंगा अगर आपने सवाल का सही जवाब दिया तो आपको दस अंक मिलेंगे अगर आपने गलत जवाब दिया तो अगली टीम को मौका मिलेगा सही जवाब देने का इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है कोई माइनस मार्किंग नहीं है तो आप आराम से सोच समझ जवाब दें टीम्स रेडी ऑडियंस रेडी ऑडियंस रेडी ये हुई ना बात तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रतियोगिता का पहला दौर सबसे पहला सवाल मैं टीम संत कबीर दास से पूछूंगा और आपका सवाल है ये हल्कू पैसे किसे देता था आपने दोनों कहानियाँ पढ़ी होंगी जो एक मुंशी प्रेमचंद साहब की है और एक भीष्म साहनी साहब की है तो उस पर आधारित ये कुछ सवाल है तो सब प्र, सब पहला प्रश्न ये है हल्कू पैसे किसे देता था सहना जो साहूकार था सहना जो साहूकार था बिल्कुल सही जवाब है और दस अंक मिलते हैं टीम संत कबीर दास को बहुत अच्छी शुरुआत हुई है उनकी अब आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल टीम महादेवी और आपका सवाल ये रहा शामनाथ माँ से क्या बनाने के लिए कहता था फुलकारी फुलकारी एकदम तुरंत उन्होंने जवाब दिया और सही जवाब भी दिया फुलकारी बिल्कुल सही जवाब है दस अंक मिलते हैं टीम महादेव को आगे बढ़ते हैं आ लेडी ऑफ रोजरी स्कूल दोना से दिनकर है इनकी टीम का नाम आपका सवाल ये रहा हल्कू के खेत को किसने नष्ट किया हल्कू के खेत को नील गायों ने नष्ट किया बिल्कुल सही जवाब है आपका नील गायों के झुंड ने हल्कू के खेत को नष्ट किया आपको भी दस अंक मिलते हैं बहुत बहुत मुबारक हो आपको और पहले दौर का आखिरी सवाल और ये टीम इंदिरा गांधी सेंट जेवियर्स मापसा से आपका सवाल है हल्कू को नींद क्यों नहीं आ रही थी क्योंकि पूछ की रात में वो ठिठुर रहा था और उसे नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल सही जवाब है आपका दस अंक मिलते हैं आपको भी उसे बहुत ठंड लग रही थी इसीलिए हल्कू को नींद नहीं आ रही थी इसी के साथ हम पहला राउंड खत्म करते हैं और चारों टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है चारों ने सही जवाब दिए और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले राउंड में दूसरे राउंड में तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा राउंड और ये जो दूसरा राउंड है वो है व्याकरण का राउंड ग्रामर सो आई होप यू नो योर ग्रामर तो अब हम शुरू करेंगे वहाँ से सेंट जेवियर्स मापसा टीम इंदिरा गांधी पहला सवाल आपके लिए खूबसूरत शब्द किस प्रकार का विशेषण है सोच के जवाब दीजिए कोई माइनस मार्किंग नहीं है गुणवाचक गुणवाचक विशेषण गुणवाचक थोड़ा टाइम लगा आपको सोचने में आप कॉन्फिडेंट है आपको लगता है सही जवाब है बिल्कुल इनका जवाब बिल्कुल सही है एकदम इनको भी दस अंक मिलते हैं फिर खूबसूरत शब्द गुणवाचक विशेषण है तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल टीम दिनकर के लिए आपका सवाल है ये आधुनिक शब्द का विलोम बताइए आधुनिक शब्द का विलोम बताइए प्राचीन प्राचीन बिल्कुल सही जवाब है दस अंक मिलते हैं टीम दिनकर को विलोम यानी ऑपोजिट आधुनिक इज न्यू प्राचीन इज ओल्ड सो टेन पॉइंट्स टू टीम दिनकर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है टीम महादेव के लिए जो कभी नहीं मरता उसे क्या कहते हैं अमर अमर बिल्कुल सही जवाब है इनका तो दस अंक मिलते हैं टीम को जो कभी नहीं मरता उसे अमर कहते हैं और अब अगला सवाल टीम संत कबीरदास के लिए हसना शब्द का विशेषण क्या है हसमुख हसमुख बिल्कुल सही जवाब है और इसका जवाब देते इनके चेहरे पे भी हंसी आ गई क्यों नहीं इनको दस अंक मिले हैं तो बिल्कुल सही जवाब है और इसके साथ ही दूसरा दौर खत्म होता है अब हम देखेंगे कि स्कोर्स क्या है तो स्कोर्स कुछ ऐसे हैं चारों टीमों ने बहुत ज़बरदस्त शुरुआत की है और चारों टीमें बीस अंक यानी कि ट्वेंटी पॉइंट्स पे टाइड है ज़ोरदार तालियां हो जाए इनके लिए तो लगता है कि इस प्रतियोगिता में भी ये काटे का और टक्कर का मुकाबला होगा चारों टीमों के बीच अब आगे बढ़ते हैं तीसरे दौर की ओर ये एक बज़र राउंड है जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने एक बज़र है आपको सवाल पूछा जाएगा आप बज़र दबाएंगे जो भी टीम सबसे पहले बज़र दबाएगी उन्हें जवाब देने का मौका मिलेगा अगर आपका जवाब सही निकला तो आपको पाँच अंक मिलेंगे लेकिन अगर आपका जवाब गलत निकला तो माइनस फाइव आपके पांच अंग डिडक्ट किए जाएंगे ठीक है तैयार है टीमें तो चलिए तीसरा दौर शुरू करते हैं आपको कुछ चित्र दिखाए जाएंगे और आपको पहचानना है तो सबसे पहले एक चित्र आएगा आपके सामने आपको मुझे ये बताना है कि ये किस संत का चित्र है आपको पहचानना है कि यह किस संत का चित्र है मैं ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि वो कृपया शांत रहे अगर सही जवाब दिया आपने तो पांच अंक मिलेंगे अगर गलत जवाब दिया तो पांच अंक आपके गए नहीं टीम संत कबीरदास ने तो हाथ पीछे हटा लिए महादेव ने भी वही किया है दिनकर ने भी वही किया है सेंट जेवियर की टीम के हाथ अभी भी बजर पे है लेकिन क्या वो दबाएंगे बजर ये देखना पड़ेगा अच्छा टीम सेंट जेवियर इंदिरा गांधी तुलसीदास तुलसीदास बिल्कुल सही जवाब है पांच अंक मिलते हैं टीम सेंट जेवियर को ये संत तुलसीदास का चित्र था बहुत बढ़िया बहुत अच्छी शुरुआत रही टीम इंदिरा गांधी की अब आपके सामने जो चित्र आएगा वो एक लोक नृत्य है इट्स अ फोक डांस आपको बताना है कि ये कौन सा लोक नृत्य है ये चित्र आपके सामने ये है और टीम इंदिरा गांधी ने फिर बजर दबाया है देखते हैं इनका जवाब सही होता है या नहीं ये है गोवा का दशावतार नृत्य ये गोवा का नृत्य है इसे वीरभद्र वीर नृत्य कहलाता है लेकिन आपका जवाब गलत निकला है दश अवतार नृत्य अलग होता है वीरभद्र नृत्य अलग है तो अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू फॉरफिट फाइव पॉइंट माइनस फाइव टू टीम इंदिरा गांधी गोवा का तो नृत्य है लेकिन ये वीरभद्र नृत्य है चलिए कोई बात नहीं आपको पांच प्लस पांच माइनस आप फिर जहां तक वही पहुंच गए तो कोई बात नहीं ऑल द बेस्ट दिस टाइम टू ऑल द फोर टीम्स आपके सामने फिर एक चित्र आएगा जो कि एक लोक नृत्य है आपको बताना है कि यह कौन सा लोक नृत्य है चित्र आपके सामने ये रहा आपको बताना है कि यह कौन सा लोक नृत्य है सभी टीमें विचार विमर्श में लगी हुई है लेकिन बजर कौन दबाएगा अच्छा चलिए टीम इंदिरा गांधी फिर एक बार राजस्थान का घूमर नृत्य आप स्टेट सही बोलती है लेकिन नृत्य जो है वो गलत बोल देती है <laughs> ये राजस्थान का नृत्य है लेकिन ये भवयी नृत्य है ये घूमर नहीं है ये भव्य नृत्य है तो माइनस फाइव टू टीम इंदिरा गांधी वंस अगेन कोई बात नहीं और भी अभी सवाल आपके सामने आएंगे हो सकता है कि इस बार आपका जवाब सही निकले अगला जो सवाल है ये एक देवी का चित्र है आपको बताना है कि ये कौन सी देवी है चित्र आपके सामने ये रहा टीम जेवियर एकदम बजर पे एकदम फूर्ती से बटन दबाते हैं चलिए माँ काली माँ काली ये तो गलत नहीं हो सकता था ये काली माता का चित्र था बिल्कुल सही जवाब पांच अंक मिलते हैं टीम इंदिरा गांधी को ये काली माता का चित्र था तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी टीमें भी तैयार रहें अब आपके सामने एक मंदिर का चित्र आएगा आपको बताना है कि ये कौन सा मंदिर है चित्र आपके सामने ये रहा इंदिरा गांधी ने बजर तो दबाया लेकिन थोड़े डाउट में लग रहे हैं क्या बता सकते हैं कि ये कौन से मंदिर का चित्र है